अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रफत समील खान आपके सामने हाजिर है। मैथमेटिक्स 9-10 साइंस ग्रुप एक्सरसाइज नंबर 6.5 का पार्ट वन मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्रैमर रूल के सवाल होंगे। 3-4 मैं आपको सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने पार्ट वन यहाँ लिख दिया है। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने लिख दिया हमने 6.5 का। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब ये जो क्रैमर रूल्स है इसको हम सॉल्व करने के, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दो फार्मूले बताए थे। ठीक है, तो मैं उनमें से एक तरीका आपको बताऊंगा और दूसरे मेथड से भी कराऊंगा। दो मेथडों से सवाल को आपको कराऊंगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे उसी की मुनासबत से आप कर लीजिएगा सवाल। ठीक है, तो पहले मैं पहला मेथड करूँगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर मैं आपके सामने वीडियो पेश करता रहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो लाइक हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला फर्स्ट मेथड मैं आपको करा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड, तो पहला मेथड में तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ लिखें सॉल्व। फार्मूला नंबर एक लगाएंगे पहले हम, ए एक्स इज इक्वल टू बी के। ठीक है, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बना लेंगे, एक्स का मैट्रिक्स बनाएंगे और बी का मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, ये जो ए है, ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमने लिखने हैं कोफिशेंट। ठीक है, कोफिशेंट कौन से वाले, ये 2, 5, 4 और -2, ये कोफिशेंट मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें आपको ए की जगह पर लिखने पड़ेंगे कोफिशेंट के, 2, 5, 4 और -2। ठीक है, एस जो है अननोन कहलाते हैं, ये अननोन मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अंदर आपने लिखने हैं एक्स और वाई को कॉलम की शक्ल में। ठीक है, कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। और बी जो है कॉन्स्टेंट कहलाते हैं, तो कॉन्स्टेंट बच्चों ये 9 और 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है हमको, ये लिख देंगे हम इसके अंदर। सही है, अब सबसे पहले इसके अंदर हमें मॉडुलस ए मालूम करना पड़ेगा, जैसे इन्वर्स में हमने किया था। मॉडुलस ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कहते हैं, मैंने आपको बता दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक फार्मूला वही ए डी माइनस बी सी होता है। मॉडुलस ए इज इक्वल टू 2 to the 4 माइनस का आ जाएगा, क्योंकि एक रकम के साथ माइनस का निशान है। माइनस का निशान फार्मूले का लगा देंगे आप, 5 4 the 20। अब मॉडुलस ए की वैल्यू आपके पास आ गई, दोनों के दोनों चूँकि माइनस में, इसलिए माइनस माइनस प्लस, माइनस का निशान लगाएंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24। मॉडुलस ए का जवाब आपके पास -24 आ गया। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे ए वन, यहीं कर लेते हैं। ए वन के लिए आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे और ये जो कॉलम नंबर वन है ना ए का, इसको आप हटा के बी की वैल्यू पुट करेंगे 9-1। ए वन का ताल्लुक कॉलम नंबर वन से होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉलम नंबर वन हटाएंगे हम सवाल का, ए का, और ये 9-1 पुट कर देंगे और 5-2 ऐसे उतार लेंगे। कॉलम नंबर 2 ऐसे ही उतरेगा। ठीक है, अब इसका भी मॉडुलस मालूम कर लेंगे, ए वन का मॉडुलस, फार्मूला वही लगेगा ए डी माइनस बी सी वाला, तो 9 2 the -18 आ जाएगा। माइनस का निशान फार्मूला का, 5 1 the 5, तो ए वन का मॉडुलस आपके पास आ गया। दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो -18 5 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ए वन का आपके पास आंसर आ गया -23। सही, अब ए टू मालूम करेंगे। नौ ए टू के लिए क्या करना है, आप मैट्रिक्स बनाएं और ये कॉलम नंबर वन तो आप ऐसे ही उतार लेंगे, 2 4 2 4 आप ऐसे ही उतारें, और ये कॉलम नंबर 2 हटा के बी की वैल्यू 9-1 पुट करेंगे, 9-1 पुट कर देंगे आप। ठीक है, अब इसका मॉडुलस मालूम कर लेंगे, ए टू का मॉडुलस ए डी माइनस बी सी के फार्मूले से, 2 1 the 2 -4 9 the 36, 2 1 the 2 -36, तो ए टू का मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा
माइनस 34, ठीक है, बढ़िया का माइनस किए, माइनस कर देंगे, 2 1 2 और 9 4 36, माइनस 34 आ जाएगा, ठीक है। जब हम ये मॉडलस है, A1 का मॉडलस और A2 का मॉडलस मालूम कर लेंगे, तो अब हमें मालूम करनी है वैल्यू ऑफ द x एंड y, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ x इज इक्वल टू A1 का मॉडलस ऊपर रखना है आपने और मॉडलस A नीचे रखना है, और y का ताल्लुक जो होगा A2 से होगा, A2 का मॉडलस ऊपर रखेंगे, मॉडलस A नीचे रख देंगे, ठीक है। x का ताल्लुक A1 मॉडलस से होगा और y का ताल्लुक A2 मॉडलस से होगा, इक्वल का निशान डाल दें। A1 की वैल्यू हमारे पास -23 आई है, सही, और मॉडलस है -24 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया है इसका 23/24, सही है, ये इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। अब y की वैल्यू मालूम करनी है, तो y के लिए A2 की हमारे पास -34 है, -34 लिख दें आप, और मॉडलस की जगह पर -24 लिख दें, ठीक है, समझ में आ रहा है हम लोग के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी 2 के टेबल में कट रहा है, टू टेबल में कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए काट दें आप, 2 1 2 एक बढ़ गया 14, 2 7 14 और 2 1 2 2 2 4, तो 17/12 आ गया, ठीक है। तो हमारे पे एस की वैल्यू आ गई 23/24 और वाई की वैल्यू आ गई 17/12, ठीक। तो चुनाच सोल्यूशन सेट 23/24, 17/12, ये आ गया इसका सोल्यूशन सेट SS, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग। ये है पहला मेथड मेरा, इसकी मदद से हमने एस और वाई की अननोन की वैल्यू मालूम कर ली, ठीक है, ये पहला मेथड है। अब मैं आपको सेकंड मेथड कराता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, मैंने 23/24, 17/12 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन सेट था। अब इसकी चेकिंग भी हो सकती है, मैं आपको चेकिंग का भी तरीका बता देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपके पास बुक तो होगी ना, आंसर का पता होगा, तो आप चेकिंग करके उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आया आपका आंसर ठीक है या गलत। तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि इक्वेशन नंबर 1 या 2 के अंदर किसी में भी आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देख ले कि ये LHS और RHS बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इससे चेकिंग का तरीका होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ चेकिंग लिख देंगे उस सवाल के नीचे ही, चेकिंग, ठीक है। चेकिंग के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 ले लें, 2x + 5y = 9। चेकिंग करने के लिए क्या मतलब बताया मैंने आपको कि ये LHS में आप देख रहे हैं 2x + 5y दोनों अननोन मौजूद हैं, इसमें राइट हैंड में इसका आंसर आ रहा है 9, तो हमें x और y की जो वैल्यू आई ना इस जगह पुट करके हमें ये RHS वाला 9 लेके आना, इसको चेकिंग कहा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसके अंदर 2, x की जगह पर 23/24 + 5, y की वैल्यू हमारे पास 17/12 आई है, ये पुट कर दें, बराबर 9 आप ऐसे लिख दें, ठीक है। चेकिंग का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, 2 के टेबल में 24 कट रहा है, काट दें, 2 1 2 2 1 2 2 4, तो हमारे पास 23/12 आ जाएगा ये, ठीक है, प्लस 17 और 12 किसी टेबल में निकलते, इसलिए आप 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 85 आएगा, 75 / 85/12 बराबर 9 के आगे, ठीक है। अब ये चूँकि यहाँ पर फ्रैक्शन आ गई, तो इसलिए आपको LCM लेना पड़ेगा, दोनों 12 एक जैसे एक मरतबा आ गया। अब 12 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम होगा, 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 1 + 23 ऐसे ही आ जाएगा, 12 से 12 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 85 ऊपर का वैसे ही आ जाएगा, बराबर 9 ले देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 2 108 हो जाएगा, अपॉन 12 बराबर 9 के आ गया। अब 12 1 12 12 9 10 108 होता है, तो 9 = 9 आ गया, ठीक है। प्रूव हो गया ना कि 9 इसका राइट हैंड पे था जब हमने x और y की वैल्यू पुट करी, तो दोनों के दोनों LHS और RHS बराबर आ गए इसके, तो इसका मतलब हमने सवाल ठीक किया है। अगर ये दोनों डिफरेंट आएंगे तो इसका मतलब आपने सवाल गलत किया, अगर 9 नहीं आया यहाँ पर कुछ और आ गया, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन जो है उसकी सॉल्व जो सोल्यूशन किया वो गलत किया है, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया। अब मैं आपको सेकेंड मेथड कराता हूँ, सेकेंड मेथड,
स्टूडेंट। सेकंड मेथड के लिए आपको इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, जो आपको ये इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। जो इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, इसमें चेंजिंग इस तरह करनी है कि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करना है। ये जनरल इक्वेशन, इसको आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। यानी क्या मतलब, एरो का निशान लगाएं आप, 2x प्लस 5y, ये प्लस का 9 है ना, उस लेफ्ट में जाके माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको 0 को बराबर लगाना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेके आना है अपने। पहले इसको भी आप चेंज करें, 4x माइनस 2y, ये प्लस का 1 है, लेफ्ट में जाके माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो सेकंड मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करना है पहले, फिर ये तरीका समझ में आएगा आपकी, ठीक है। सेकंड मेथड ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला नंबर 1 लगाएंगे पहले, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है। पहले आप सॉल्व लिख लें यहाँ पर, SOLV सॉल्व, क्योंकि हम जानते हैं कि a 1x प्लस b 1y प्लस c 1 बराबर 0 और a 2x प्लस b 2y प्लस सी 2 बराबर 0, ठीक है। ये है इसका फार्मूले, इक्वेशन नंबर 1 का इससे रिलेशन होगा, इक्वेशन नंबर 2 का इससे रिलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयरिंग करेंगे गिवन लाइंस से या गिवन इक्वेशन से, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे हम, कि कंपैरिजन कर देंगे इनका, कंपैरिजन टू गिवन इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन है हमारे पास ये, ठीक है, और ये है हमारा। अब देखें आप इसमें, देखें एस इसमें मौजूद है, एस इसमें मौजूद है, ए वन की वैल्यू आ गई 2, तो हम ये लिखेंगे ए वन बराबर है 2, ठीक है। अब यहाँ पर बी वन है और ये यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, तो बी वन की वैल्यू 5 आ गई, बी वन बराबर 5। और फिर ये कांस्टेंट है, ये सी वन है, ये कांस्टेंट की जगह पर आप क्या लिखेंगे, सी वन बराबर है -9, ये मान का निशान भी लगाना आपने। फिर इसी तरह से सोन ए टू, आपके पास 4 आ जाएगा, बी टू -2 आएगा और सी टू बराबर आ जाएगा आपका -1, ठीक है। पहले आपने ए वन, बी वन, सी वन, ए टू, बी टू, सी टू की वैल्यू मालूम करनी है, उसके बाद लगा देंगे इसके ऊपर फार्मूला, ठीक है। यूज़ कर देंगे आप फार्मूला, और वो क्रेमर रूल के ही कहलाता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटा, x इज इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। ये तो x का फार्मूला हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरा वाला जो y का कंपोनेंट होगा, y का फार्मूला होगा, y बराबर है सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। ये आपने फार्मूले लगाने डायरेक्ट इसके अंदर, ठीक है। तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, जबकि वाई का कंपोनेंट के जो आपको वाई की वैल्यू मालूम करनी, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो वैल्यू आपके सामने रखी ना, ये पुट कर दें आप, ईजीली आपके आंसर आ जाएगा। तो एक्स लिखें आप, बी वन सी टू है, देखें बी वन ये रहा, सी टू ये रहा, ठीक है, बी वन सी टू, ठीक है, और बी टू सी वन ये, यानी इन दोनों वैल्यूज को आपने रखना है पहले। तो चुनाचे बी वन की जगह लिखेंगे 5 और सी वन की जगह, सॉरी सी टू की जगह लिख देंगे -1। मान के निशान बी टू की जगह पर आपने लिखना -2 और सी वन की जगह -9, ठीक है। अपॉन का निशान ए वन की जगह पर लिखना है आपको ये वाली 2 और बी टू की जगह लिखना है -2, मान का निशान ये वाला फार्मूले का, ठीक है। ए टू की जगह लिखना है आपको 4 और बी वन की जगह 5, 4 और 5, ठीक है। देखिए सारी वैल्यू मैंने आपको फार्मूले के मुताबिक लिखनी है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में उसको करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 5 वन का माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब माने के निशान आप यहाँ गौर करें, माइनस 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा आ रहा है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माने का निशान अगर 1 मरतबा आए मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो लगाना पड़ता है, 2 मरतबा आए तो ख़त्म हो जाता है, यहाँ 3 मरतबा आ रहा है, 3 मरतबा आ रहा है तो लगाना पड़ेगा आपको, ये लगाने।
9 to 18। फिर समझ लिया, देखिए मार्गदर्शन एक दो तीन मरतबा आ रहा है तो मार्गदर्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 18 आ गया। ठीक है, अब पावर का निशान डाले आप, उसके बाद ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 4 आ जाएगा आपका माइनस का निशान, और 4 5 20। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, दोनों के दोनों माइनस के हैं तो माइनस का निशान लेंगे, 18 में 5 जमा करेंगे 23 हो जाएगा, और माइनस का निशान बड़े बेक का, और 20 और 4 माइनस का दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस 24 हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 23 और 24, यानी कि 23/24 आ गई। देखिए उसके अंदर भी आई थी हमारी, देखिए 23/24 ये आई थी। ठीक है, ये वाली मेथड में हो गई। अब हम y का कंपोनेंट मालूम करते हैं। y है हमारे पास, y इज इक्वल टू C1A2 है, तो C1, ठीक है, C1 हमारे पास ये रहा, A2 ये रहा, गौर से देख लें आप कहाँ कहाँ से मैं इशारे कर रहा हूँ आपको, ये C1A2। ठीक है, तो माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस 9 और मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, माइनस का निशान डालेंगे, C2 और A1 है, ठीक है, C2 ये रहा, A1 ये रहा आपके पास, तो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू। अपान का निशान डालेंगे, A1 B2, अब ये नीचे वाले जगह में ऐसे डालेंगे क्योंकि दोनों सेम है, बिल्कुल नीचे वाले जगह में आपको बिल्कुल सेम लग रही है, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, माइनस 4 4 और 5, समझ में आई, दोनों सेम है बिल्कुल, देखिए फार्मूले में ये दोनों बिल्कुल सेम थी। ठीक है, फिर चुनाव नीचे वाले हमको अपने कुछ नहीं करना, पहले में सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले आप ऐसे उतार लीजिएगा, बस ऊपर चेंज करनी है आपने। ठीक है, अच्छा जनाब, फिर y बराबर है 9 4 -36 आ जाएगा, 9 4 -36, अब माइनस के निशान दो मरतब आ रहा है, देख लें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 1 2 हो जाएगा, अपॉन 2 2 -4 हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया, माइनस का निशान 4 5 20 हो जाएगा। ठीक, और फिर y इज इक्वल टू, ये माइनस का 36 प्लस का है, तो माइनस 34 बचेगा आपके पास, बढ़िया का माइनस किए। ठीक है, दोनों के दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस 24 फिर आ जाएगा आपका, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब y इज इक्वल टू, 2 के टेबल में दोनों के कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2 2 7 14 और 2 1 2 2 2 4, तो y की वैल्यू आ गई 17/12। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये वाला तरीका आपको अगर इजी लगे तो इस तरीके से कर लीजिएगा, नहीं तो मैंने पीछे वाला मेथड आपको करा रखा उससे भी कर सकते हैं आप, तो इसका सोल्यूशन सेट जो है आप नीचे लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं है, मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ये इसका सोल्यूशन सेट होगा, इसकी चेकिंग फिर आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया, पूरे दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए, आपके समझ में आ गए होंगे, जो आपको तरीका आसान लगे उसी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आसान है, वो भी आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब मैं आपको सेकंड कराता हूँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको एक ही मेथड से करा रहा हूँ, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन 1 आपको दोनों मेथड से करा दिया, आपको जो तरीके का पसंद आए उसी तरीके से कर लीजिएगा, मैं आपको इसको पहले मेथड से करा देता हूँ। ठीक है, तो यह लिखें सॉल्व, इसके लिए फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा AX = B। ठीक है, ए का मैट्रिक्स बनाए जो कि कोफिशेंट मैट्रिक्स कहलाता है, एस का बनाए जो कि अननोन मैट्रिक्स कहलाता है, और बी का मैट्रिक्स बनाए जो कि कांस्टेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट आपने यहाँ लिखने कोफिशेंट लिखने 8 -4 1 और 2, एस की जगह लिख देंगे आप XY, और बी की वैल्यू आपके पास 2 4 है, 2 4। ठीक है, अब उसके बाद मॉडलस ए मालूम कर लें आप, मॉडलस ए बराबर AD - BC, एक दफ़ा फार्मूला लिख दें, बाकी दूसरों में नहीं लिखेंगे, तो मॉडलस ए बराबर हो जाएगा 8 2 16 माइनस का निशान, और 4 1 4 माइनस का आ जाएगा, तो मॉडलस ए बराबर हो गया आपका 16 लिखकर, ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे 4 आ जाएगा, और मॉडलस ए की वैल्यू आ गई आपके पास 20। ठीक है, अब A1 मालूम करते हैं, A1 बराबर है, मैट्रिक्स बनाए आप। ठीक है, अब A1 में मैंने जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये कॉलम नंबर 1 हटाएं C1, और B की वैल्यू 2 4 पुट करें, ये लिख दी मैंने। ठीक है, और कॉलम नंबर 2 ऐसे ही उतार लें, -4 2, तो A1
का मॉडल्स मालूम करें आप, तो 2 to the 4 माइनस का निशान, 4 4 the 16 माइनस का आएगा, ठीक है, 4 4 the 16 माइनस का आएगा। तो A1 बराबर 4 लिखें, माइनस माइनस प्लस 16 लिख दें, इक्वल टू 16 4 20 आ जाएगा। तो A1 का मॉडल्स भी हमारे पास 20 आ गया, ठीक है। अब A2 मालूम करते हैं, A2 मैट्रिक्स बनाए, A2 मालूम करने की कॉलम नंबर 1 तो आप ऐसे उतार लें, 8 1 8 1 ऐसे उतार लें, 2 4 लिख दें इसकी जगह पर, कॉलम नंबर 2 हटाकर 2 4 लिखना आपने, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपकी। अब इसका भी मॉडल्स मालूम कर लें, A2 का मॉडल्स तो 8 4 the 32 माइनस 2 1 the 2, तो A2 का मॉडल्स हमारे पास आ जाएगा 30, ठीक है, A2 का मतलब 30 आ जाएगा। अब उसके बाद हमें मालूम करना है x और y की वैल्यू, ठीक है, तो यही कर देता हूँ मैं आपको। x इज इक्वल टू A1 का मॉडल्स ऊपर रखना है आपने और मॉडल्स नीचे रखना है, जबकि y इज इक्वल टू A2 का मॉडल्स ऊपर रखना है और मॉडल्स नीचे रखना है, ठीक है। A1 का मॉडल्स हमारे पास आया था 20 और मॉडल्स A का आंसर भी 20 था, तो हम 20/20 लिख देंगे, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। A2 का 30 है अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 इसका, ठीक है, आंसर आ गया वाई का। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया 1,3/2, ये का सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा आपको सॉल्यूशन सेट। अब एक मैं चेकिंग करके दिखा रहा हूँ, चेकिंग में नीचे कर देता हूँ आपको, चेकिंग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, 8x-4y इज इक्वल टू 2। अब हमें 2 लेके आ रहा है इसका जवाब, ठीक है, 8 की जगह 8 लिखें आप और x की जगह पर लिखेंगे 1, माइनस 4 की जगह 4 लिखें और y की जगह लिखेंगे 3/2 इज इक्वल टू 2। 8 1 ज़ा 8 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कट जाएगा, देख लें आप, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो माइनस का निशान लगा, ये वाला 2 3 ज़ा 6 बराबर 2 के आ जाएगा, 8 में से 6 निकालेंगे 2 बराबर 2 के आ गए, दोनों साइडें बराबर आ गई ना आपकी, तो इसका मतलब हमने सवाल का जवाब जो आंसर निकाला है सोल्यूशन सेट वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा क्रैमर रूल। अब मैं आपको बता दूँ कि क्रैमर रूल के मैंने आपको क्वेश्चन 1 और 2 तो करा दिए हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं 2-3 सवाल आपको, कम से कम दो सवाल और करा दूँगा टिपिकल इसके वाले, आपकी मर्ज़ी है आप मेथड नंबर 1 से करें या 2 से करें, मुझे उम्मीद है आपके समझ में मेरे सवाल आ चुके होंगे, आपका काम है प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।